the 9th such incident in Delhi, and there is a Supreme Court judgment which prevents the entry of workers into the manhole. So what are your reactions to this? Supreme Court ka aadesh hai ki kisi bhi aadmi ko shiver mein nahi utara jayega, jab bhi utara jayega puri safety ke sath. Agar aisa nahi karta hai to ye crime offense hai. Agar kisi ne bhi aisa kiya hai aur jo aadmi ka death hua hai to un par serious charges ho sakte hain. Aur Supreme Court ne ek aur bhi order kiya hai ki jo aadmi mar jata hai unka victim jo hote hain वो विक्टिम को भी 10 लाख का कंपनसेशन देना होता है. तो मैं आज जो यहाँ सादरा मॉल यानी आनंद विहार में जो घटना बनी है उसका मैंने विजिट भी किया है और उस पर भी जो डीसी एसपी सभी अधिकारियों को भी हमने बोला है कि एमएस एक्ट लगाए ताकि उनको 10 लाख का कंपनसेशन मिले. ये पूरे एक महीने में मैं जब से 5 महीने से मैंने चार्ज लिया है नेशनल कमीशन में, ये एक महीना में 9-10 घटनाएं हो गई. एक तो किटरने में हुई, दूसरी वारदात हुई लाजपत नगर में और ये तीसरी यहाँ पे सादरा मॉल पर. तो ये ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उनकी भी अवहेलना हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है और सभी को सोचना चाहिए वरना जेल के अंदर जाएंगे वो. अभी तक तो 81 डेथ्स हुआ है 93 से अभी तक दिल्ली में, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम सफाई कर्मचारी आंदोलन किसी को भी अभी तक पूरा 10 लाख कंपनसेशन नहीं मिला है. तो आप कमीशन से क्या पावर्स है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव क्या रख सकते हैं? इस बारे में भी हमने सीएम और एलजी के हमारे ऑफिस के ओर से लेटर लिखा गया है कि हमारी उनसे मीटिंग भी होगी सीएम और एलजी से. तब हम ये पूछेंगे कि 81 जो लोग सीवर में डेथ कर गए उनके लिए आपने क्या किया है, किसको 10 लाख दिया किसको नहीं दिया, उस वक्त हम उसको पूछेंगे और जो नहीं मिला है उसको भी हम दिलवाएंगे. सो बट ऑल्सो देर इज़ अ नाउ इफ़ यू सी द मिनिस्टर फॉर द मिस्टर गौतम हैज सेड दैट दे विल पुट प्रेशर ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, बट इज़ इट नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बाई प्रॉपर टेक्निकल इक्विपमेंट्स बिकॉज इन द मार्केट देर इज टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द मैनहोल्स. ये जो आपने बात बताई है वो तो सभी को सभी की जानकारी में है. तो जिसके द्वारा ये होता है तो जो जिसका अगर कॉन्ट्रैक्टर में होता है तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है उनको पर भी ये चार्ज हो सकता है. तो गवर्नमेंट किसी भी एजेंसी ये करेगी तो ये जांच के अनुसार जो भी जांच होगी जो आरोप होगा उन पर लगेगा. क्योंकि एक वी हैड रिपोर्टेड that company had approached the Delhi municipalities and also the Delhi Jail Board or government ko they did a demonstration kya technology istemal karte hain, but the officials in the Delhi Jail Board said cheap mein aa jayenge labor to hum usi ko istemal karenge but machinery ko istemal nahi karenge. Iske bare mein kya aap sochte hain sir? So you allow the people to die but not take help of technology? देखो मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर बोला है किसी भी आदमी को शिविर में अगर भेजना है तो पूरी किट के साथ, अगर किट नहीं है तो भेजा नहीं जा सकता है. तो ये सरासर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके पर क्या उनके पर वो ऑफेंस होगा. तो आप क्या रिकमेंड करेंगे सर इस ऑफिसर से? मैं कहूँगा कि किसी भी आदमी को विदाउट किट नहीं भेजना चाहिए. अगर विदाउट किट भेजेंगे तो उनको उनके पर पूरी चार्जशीट होगी और वो अरेस्ट भी हो सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं और नॉन अवेलेबल ये ऑफेंस है. हम पूरे भारत के चीफ सेक्रेटरी को हमने लेटर लिखा है कि इसी तरह के जो भी घटनाएँ घटती है उनको कम करने के लिए आप सेक्रेटरी आप सब पूरे राज्य में ये सूचना दें कि कोई भी ऐसे वारदात ना हो.